अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 109। और आज इस लेसन में हम एक और मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाएंगे और आज के इस लेसन में हम मैकेनिकल कटर बनाएंगे जो कि 3D में होगा और उसमें जितना भी हम काम करेंगे हम 3D फेसेस के थ्रू करेंगे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट आज हम बनाएंगे जो कि कटिंग होल्डर जिसका नाम है इस ऑब्जेक्ट का, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं टॉप व्यू में सबसे पहले यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है वो क्या है, तो वो आप यहाँ से देख लें। 15 है, 59 है, 45 है, 45 तक है, तो ये इसकी लेंथ है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एल इंटर करता हूँ, सबसे पहले 15 फिर 59, तो आप एल इंटर करें, F8 प्रेस करता हूँ, 15 एंटर, 15 के बाद है जी 59 है, फिर 45 है, 59 एंटर और फिर है 45। ओके, जेड स्पेस ए स्पेस, ये थोड़ा सा गलत हो गया। एल इंटर, सबसे पहले 15 फिर 59, 15 एंटर फिर है जी 59 एंटर और फिर है उसके बाद, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 15 है, फिर यहाँ से आगे 59 है और फिर है 45, देख सकते हैं, और फिर यहाँ से आगे 45 एंटर। ओके, और अब जो काम करूँगा अब है इसके बाद इसकी जो यहाँ तक ये 59 है इसकी विड्थ, लेंथ के बाद विड्थ इसकी 59 है, तो 59 आप इसकी विड्थ देंगे। उसके लिए ऑफसेट ओ एंटर और ऑफसेट जो है 59 है, 59 एंटर। और कैल इंटर, यहां से यहां तक इसको जोड़ देता हूँ, यहां से यहां तक इसको जोड़ देता हूँ। ओके, अब क्या काम करना है जी, अब यहां से देख सकते हैं यहां से यहां तक इसको ऑफसेट है 25, देख सकते हैं यहां पे, पहले यहां से यहां तक हम ऑफसेट लेते हैं, तो सबसे पहले जो ऑफसेट है वह 59, तो आप ऑफसेट लेते जाएं यहां से आगे 15, सबसे पहले 15 फिर 59 ऑफसेट ओ एंटर, सबसे पहले 15 एंटर फिर 59 ओ एंटर, 59 एंटर और उसके बाद फिर जी आपके पास 45, और यहाँ से यहाँ तक देखें डिस्टेंस कितने है, 45 ही होगा, डी आई एंटर, देख सकते हैं 45 ही हमारे पास। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये काम कर लिया, अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, 45 के अलावा यहाँ से देखें 22 का डिस्टेंस भी हमारे पास, 59 के बाद है 45 और 45 के बीच में यहाँ पे 52 का भी डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपने करना है ओ एंटर, कितना डिस्टेंस है जी 22 का, 22 एंटर। ओके, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट आप बस यहाँ से यहाँ तक 25 का डिस्टेंस है, ओके ओ एंटर 25, ओके
जी 25 का डिस्टेंस भी आ गया। ओके तो ये 25 का जो डिस्टेंस है, इसके लिए आप यहाँ से जो एरिया आपने लेना है वो आपने वो वाला एरिया आप ले लें, और उसके अलावा आप इसको ट्रिम कर दें। यहाँ तक रहने देता हूँ, और इससे आगे सारा का सारा क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। TR डबल इंटर देख लेता हूँ पहले, कंट्रोल जेड से छोड़ें ट्रिम करने को, और मैं यहाँ तक पहले इसको लेता हूँ TR डबल इंटर, और यहाँ तक ठीक है। ओके अब अलग अलग से काम करता हूँ, और जहाँ तक जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। तो मैं यहाँ से SWI सिमेट्रिक व्यू में आता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास है 90, यहाँ पे देख सकते हैं 90, और यहाँ से ऊपर जो हमारे पास है 41 है, सबसे टॉप जो है वो हमारे पास 22 है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले 90 का इसे ऑफसेट देता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ फेसेस को। तो मैं यहाँ से फेस एक्सट्रूड करता हूँ, कितना है जी देखें आप, तो 90, तो 19 एंटर करता हूँ। ओके नेक्स्ट है वो कितना है, नेक्स्ट है आपके पास जी 25, 25 25 दोनों को कर दें यहाँ से, इसको और इसको दोनों को, इसको भी ऊपर करता हूँ 25, और यहाँ से इसको भी 25। ओके नेक्स्ट जो है वो कितना है, नेक्स्ट है 22, और उसके बाद है 41, 22 एंड 41। तो 22 वाला जो हमारे पास आपके पास ऑब्जेक्ट है, इससे पहले मैं इसको शेड भी देता हूँ, इलास्टिक शेड दिया मैंने, और अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। और काम क्या करना है जी, अभी इसको यहाँ से मैं जो काम करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से इसके फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, हेड्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये एडजेस का सिलेक्ट करता हूँ इसको, और इसको इस कॉर्नर से उठाता हूँ, और मैंने कितना ज़्यादा इसको उठा दिया, 19 है। प्रेस पुल इसको 19 उठाना है, मैंने शायद ज़्यादा उठा दिया था 19। और ये यहाँ से 31 38 है, पहले 19 और फिर 38 का फासला इसका, तो ये भी मुझसे गलत हो गया, पहले 19 और फिर 38 है। तो इसको मैं यहाँ से प्रेस पुल करता हूँ 19, के बाद कितने जी 38 है, 38। प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ,
38 एंटर, 38 एंटर, अब सही है। पहले यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो गया था, गलत हो गया था। और अब जो काम करना है वो क्या है कि मैं इसके फेसेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एज को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो एज है। क्लिक करता हूँ इसको, इसको मूव करता हूँ यहाँ से इस कॉर्नर तक। इस कॉर्नर तक मूव करता हूँ और ये हमारे पास के काम हो गया इसका। देखिए ज़रा, ओके। अब जो काम करना है अब क्या है जी, अब 22, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से वहाँ तक जो कितने हैं, 41 है, 15 और फिर 38 उठाता हूँ इसको मैं, 15 और 38। तो ये वाला जो एरिया है इसको ट्रिम कर दें, टी आर डबल इंटर, फिफ्टीन, पहले सबसे पहले 15 तक उठाता हूँ मैं इसको, 15 तक, फिर इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से कितने, 15 के बाद अभी 38 तक। प्रेस पुल कमांड से सिर्फ ओके। और यहाँ से इसको भी ट्रिम करता हूँ, और इसको कितना उठाना है, इसको उठाना है जी 41.5, 41.5, टी आर डबल इंटर, 41.5। कटर आपका बन गया, देख सकते हैं, देखिए ज़रा, तो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा कटर बना है आपका। ओके, इसे जोड़ने के लिए अब यहाँ से मैं क्लिक सारे के सारे को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, यूनियन कमांड सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस स्पेस करता हूँ, तो देखिए ये आपस में जुड़ गए, तो आपका ऑब्जेक्ट भी ड्रा हो गया, देख सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका कटर, ओके, कटर होल्डर था। और ये अगर आप 2D वायर फ्रेम में देखें, इसे मैं यहाँ से आपको इस कलर इसमें बताता हूँ, तो देखें तो आपके पास एक क्लियर ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। वायर फ्रेम में भी देख सकते हैं, तो इसे मैं रियल इससे मैं यही रियलास्टिक पे क्लिक करता हूँ और इसको इसमें सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन लेसन को फॉलो करें। और आप और भी जो कोई आपको ड्राइंग मिलती है गूगल से सर्च करने के बाद आपको जो भी ड्राइंग मिलती है आपको ड्रा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।